ने मोहम्मद मुस्तफा तो सारी महफिल पे छा जाएंगे। आपका अंदाज सुगंध गुंजे में सब्जा है, अबरे बहार है, सब आ चुके हैं स्टेज पे, आप ही का इंतजार है। मेरा दिल क्यों न हो पाए आपकी सहर लसानी का, सुना है चर्चा है हर तरफ आपकी जादू बयानी का, अहले महफिल मुंतजर है देर से आई मुताक, आपके बायस और नसीहत का है इनको इंतजार। रसूल व खातम नबियीन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए, उस मोहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को, मंशूर दिया दस्तूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुआज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम उलमाए किराम, काबिल तअज़ीम वाजिब तकरीम वाजिब तअज़ीम, यहां मस्जिद और मदरसा में तशरीफ लाने वाले इस इलाके के इंतहाई काबिल इज्जत सामईन, आपके इस मदरसे के मुहतरम हजरत मौलाना फयाज़ अहमद साहब ने बहुत अरसा कबल मुझे आज यहां हाजिर होने के लिए पाबंद बनाया है, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुझे यहां बुलाकर आप जैसे दीनदार लोगों की जियारत का मौका अदा किया है। अल्लाह ताला इन्हें जजाए खैर अदा फरमाए। तकारीर उलमाए किराम की हो चुकी है, खुसूसन मेरे बरादर मुहतरम इस इलाके की शान शहजादा अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुर रहमान हैदरी साहब, जब मैं आ रहा था तो वो आपसे मुखातब थे,
और भी बहुत सारे उलमा कराम की तकारीर हुई होगी। चंद बातें टूटी फूटी में भी आपके सामने रख के इजाजत चाहूंगा। आपको मुबारक हो। आपके इस मदरसे में, आपकी इस बस्ती में, आपकी इस मस्जिद में, आपके इलाके में, आपके बच्चे ने आज कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने दादा जान के लिए जखीरा आखिरत बनाए। कुरान करीम अल्लाह का कलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है। आप सोचते होंगे कि जी बाकी आसमानी किताबें भी हैं, लेकिन कुरान करीम मौजज़ा क्यों है? तौरात, ज़बूर, इंजील ये अल्लाह ने लिखकर अंबिया ने सलाम को अता किए, लेकिन कुरान करीम अल्लाह ने पढ़ा है। हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तकल्लुफ़ फरमाया है। मैं तो सबको किस तरह समझावा, दुआ करो अल्लाह को तौफीक दे। हमारे एक इमाम गुजरे, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके जमाने में एक बादशाह था। बादशाहों का अपना मिजाज होता है। उसने ये कहा कि अल कुरान कलामुल्लाह मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम तो है लेकिन ये मखलूक है। जिस तरह सारे मखलूक ने खत्म होना है, इसी तरह कुरान भी खत्म हो जाएगा। इमाम अहमद बिन हंबल खड़े हुए, आपने फरमाया बादशाह तू गलत कहता है, बात इस तरह नहीं बल्कि बात यूं है, अल कुरान कलामुल्लाह गैरु मखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के अंदर से निकला है, अल्लाह की जबान से इसका तकल्लुफ हुआ है, लिहाजा कुरान करीम मखलूक नहीं हो सकता। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मंशा के खिलाफ एक मौलवी उठकर फतवा देता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा। बादशाह जलाल में आता है, लोग वफद बन के आते हैं। जदू कसा फलाडे आदमी की टक्कर होती है ना, तो आपने आने हमदर्द आने खैरफा आने उन आन गया क्या, मौलवी भी आए वफद बन के आए, आने लगे इमाम साहब के करने को लगे थे वक्त में ना डांडे नाल, एक बटे नाल आदमी जदू सिर मारता है ना, बटे को कुछ नहीं होता, सिर अपना भजता है, दीवारा नाल जदू आदमी टक्कर मारता है आप जख्मी करते, दाढ़ी की चक्कर ते दरिया का चक्कर ते औरत का बकर ये मशहूर है। अल्लाह अकबर, इमाम साहब फरमाने लगे वो मौलवी आते हैं आके चुगला कहते हैं जो आज भी तारीख में लिखा है, कहने लगे हाजा सलाम सुकूत व मलाजिमतुल बुयूत, ये चुप रहना था ते करांगे, बंद रहना था दौर है, बड़ा सख्त जमाना आ गया। इमाम साहब गल ना करे हो, अल्लाह अकबर, इमाम साहब चौकों में, चौराहों में, गलियों में, शहरों में, बाजारों में, हर जगह
लोगों, कुरान अल्लाह का कलाम है और ये हम लिहाजा मखलूक नहीं हो सकता। बादशाह ने कैद किया, कैद करने के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल को सजा सुनाई, कोड़े मारे जाते हैं। तारीख में लिखा है कि इतने कोड़े मारे, अगर हाथी को मारे जाते तो शांत हो जाता, लेकिन अहमद बिन हम्बल को जल्लाद कोड़ा मारता है, मार के पीछे आता है, वक्फा होता है और फिर पर्दे हट जाते हैं, अल्लाह का दीदार नसीब होता है और रब की तरफ से आवाज आती है, अहमद बिन हम्बल बता तेरा क्या हाल है। आखिरी कोड़ा रहता था, जल्लाद कहने लगा और हजरत आखिरी कोड़ा रहता है, आठ ना लगे फिर के पते कौन कोड़े खासी ते कौन मारसी, जब कोड़े ना लगसन ते खुदा को कौन देखसी। आज मैं के पते आखिरी बारी खुदा को देखा ते खुदा को मैं एक मसला ही पूछ करा। और सुनो शब्द अड़िया ले उगिया ले आज तुसी मसला उबैदुर रहमान एग्री साहब को पूछते हो, आज मसला उमर साहब को पूछते हो, आज मसला उलमा को पूछते हो, बाल अहमद बिन हम्बल और तू एक मुकद्दर तो कुर्बान करा, तू मसला भी खुदा को पूछते हो। खुदा को मसला पूछा, अल्लाह बड़ा ते एक ही कोड़ा रहता है, ते पहले कोड़ियां दे वक्फे पे थोड़ा दीदार को नसीब होता सा, ते मुझको दर्द ना होता सा, तकलीफ ना होती ऐसी। खुदाया अल्लाह और शायद खिड़की बंद हो चुकी सी, मैं एक मसला पूछता खुदा सुना क्यों पूछो बड़े लाड़ लिया के पूछते। अल्लाह अकबर, अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे रब्बा एक ही बात पूछता हूँ, मुझे इतना बता दे कि वो कौन सा वजीफा है, कौन सी नमाज है और कौन सा वर्द है जिसके साथ तेरा दीदार नसीब होता है। और रब की तरफ से आवाज आई अहमद और मेरा कुरान पढ़, जितना मेरा कुरान पढ़ता चला जाएगा और मैं तुझे इतने ही अपने करीब करता चला। अल्लाह बात की खाल करते बड़े मुंह में गैर पार्लिमानी गल आई थी, ऐसी शुक्र है नहीं की थी। कुछ कंट्रोल हो गए मौलवी मौलवी है बाला जी, बाला का भी चमड़ा ना, बाला का भी चमड़ा काट दे, बाल की खाल निकालता है। अल्लाह अकबर, अहमद बिन हम्बल बोले अरज किया रब्बा तूने तो इतना बताया है कि मेरा कुरान पढ़ तेरा दीदार नसीब होगा, रब्बा तेरा कुरान भी तो लोगों ने मुख्तलिफ किरातों में पढ़ा, मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा, कोई जबानी पढ़ता है, कोई देख के पढ़ता है, कोई समझ के पढ़ता है और कोई बगैर समझ के पढ़ता है। अल्लाह जिस तरह तुझे सुनना पसंद है मुझे बता ताकि मैं कोशिश करके वो अंदाज इख्तियार करूं। डॉक्टर साहब बैठे थे बड़ी गड्डी पे से बैठ गए, मैं एदरी साहब को पूछे मैं कौन है, बड़े बड़े भरा है मुख उ अपने भरा लगते मैं हैदरी साहब इनकी कदर तो बड़ी देखती कुछ तरह के इधर इनका इलाका भी खाली है, बड़ा भी खाली है। अल्लाह की तकसीम कसम खुदा इतनी दे दे कि तुम्हें तक चुनती है, कोई तरस है बड़े ना अल्लाह।
दाढ़ी कुछ सोनी है, बाकी कुछ सोनी है। अल्लाह की कसमें इतनी सोनी है कि इंसान को सोना कर चुकी है। चल चल छोड़। अल्लाह अल्लाह की तरफ से आवाज आई, फरमाया अहमद कुरान पढ़, तेरी मर्जी देख के पढ़, तुड़ी मर्जी जबानी पढ़, तुड़ी मर्जी समझ के पढ़, तुड़ी मर्जी बगैर समझे पढ़, तुड़ी मर्जी कुरान पढ़ सही, और जितना पढ़ता जा सही, और मैं चाह के तुमको अपने नेड़े करता जाऊं। कुरान पढ़ मेरे दोस्तों, कुरान करीम ये जो भी जितना करीब होता चला जाता है, कुरान उसे शान देता चला जाता है। मैं अर्ज ये कर रहा था कुरान करीम अल्लाह का, भूल गए हो अल्लाह का, भूल गए हो कि भुखे हो गए हो, सुबह से बताने दे पुराने आगे जरा चढ़ जो है ये भी चमड़ा कट देना, फिर इतने की टेक के नहीं बैठ जाते, क्यों नहीं हिलते, क्यों नहीं उछलते, क्यों नहीं और कूदते, क्यों नहीं, और तुम्हारे ईमानों पे जंग आ चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, और खुदा के बंदे हम मसीदी पे जा के वो गुनागार हो गए, जेड़े बाहर फिरते उन्होंने को कोई नहीं पूछता, जेड़े अंदर आ गए उन्होंने रोक चलते, मकतबे ऐसे अंदाज निराले देंगे, उसको छुट्टी ना भी नहीं जिसके सबक याद हो गया, गनीमत समझो जुड़े अंदर आ गए, इन्हें कोई कदेसी जगह ना लगा, कुरान जगह ना लगे, दीन जगह ना लगे, मसीह चंगी ना लगे, नबी जगह ना लगे, अदीस चंगी ना लगे, अल्लाह की कसम मसीदी में कदे ना हो, कदे आ गए सैन की जुलम सुनो हूं तो मैं खुश हो देर तो नहीं होगी, नहीं तो मैं शॉर्टकट मारा, इतने बड़े को गहरे जाए जरा फौरन शॉर्टकट मारता है, जा पैसे गिना ना करे लावा अगला गहर गिना, अच्छा ठीक ना यार, कुरान अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद रसूल अल्लाह का मौजज़ा है, तो रात मौजा नहीं लगी कस्त नाजन हो गया, बोलो ना कस्त है मूसा अलैहि सलाम ने, पर मूसा अलैहि सलाम का मौजा तो रात नहीं, मौजे और आसान मौजे यदे बेजा मौजे और कुछ सारे मौजे मूसा अलैहि सलाम ने, पर एक कसम किताबा ने एक अंग नहीं लिखी थी कि तो रात भी मूसा अलैहि सलाम का रास्ते उतरी है, पर मौजा नी जबूर, पर मौजा तुझे तो सारिया का ना तो पता है, तकरीर करनी फजूल है, माशाल्लाह वो जबूर कस्ते उतरी नहीं आखू माशाल्लाह, उतर सलामते पर मौजे और मौजा नी, और कुरान करीम अल्लाह का कलाम भी है और मोहम्मद मुस्तफा का मौजज़ा भी है। अच्छा मौजज़ा की है यार, ओ की मौजज़े नहीं तो एक ही मौजज़ा, ये भी तुरे तुम सोचे उठ के पूछे सवाल कीते कि मौली साहब मानसे रहे आ गए इतने होगी में भावा मार मार के उछल उछल के तकरीर करते, वो मुआवजा नहीं है ये मुआवजा है, असल उछलना ना दस अपने गले से जोर ना दे,
دلیل نال گل کر کہ تو کو دلیل کی ہے تساں کو حق کوئی تے نمبر کرو پوچھو نہیں پوچھتا او حق کوئی تے ایک تے تو میں تنگ کر چھڑے بڑے اگے دے تو بہت بڑھ کے کھل گیا نے کے تو اوپر کے دے کے دل دے تو تو یار ایتھے نہیں ہوندا بس تے سی سن میں ڈرا نہ لام پی نہ تے ادھر भाई करीम के एक कुरान मौजज़ा तौरात मौजज़ा इंजील मौजज़ा ज़बूर मौजज़ा बाकी किताबें मौजज़ा खुदा नजरी को बचाव सुनो ये नहीं कि वो महफूज नहीं बाकी किताबें मौजज़ा इसलिए नहीं कि वो महफूज नहीं और कुरान मौजज़ा इसलिए है कि ये अल्लाह का कलाम भी है और महफूज भी है। अल्लाह कुरान करीम के सिपारे महफूज सिपारे रुकू आयता महफूज कुरान करीम सारे का सारा महफूज और खत्ता के कुरान का नेजा भी महफूज और कुरान का रस्म खत भी महफूज। अगे अगे सुभान अल्लाह संभाले हो कुछ स्टार्ट में भी रखते करो जे बाबे अगे जा आ रही है जबरदस्त जा आ रही है उते आखे हो रस्म खत कैसे महफूज यार मैं दो त्रै मिसाल तेरे को देना कुरान का रस्म खत भी महफूज। अच्छा तुसी बड़े पढ़े लिखे दे ते उठी दे ज़हीन लोग हो यकीन करो असर तुसके बढ़िया तारीफा लिखिया ते अंग्रेज सुन आपकी किताबा में लिखे कि उगी आलिया नालो ज़हीन कसर बाउ सुन जमाया ही नहीं। हाँ तुसकी ज़हानत खतानत ते तबसरे अंग्रेज भी करते लगे ना आज भी देखो बड़े बड़े उलमा उगी ने ओ मुफ्ती गुलाम रहमान बड़े सारे जन कुंदे मदरसे में पढ़े इसी तरह मौलाना हुसैन अहमद को देखो इसी तरह मुफ्ती मुनीर रहमान को देखो इसी तरह और बड़े बड़े जज ते बड़े बड़े बैरिस्टर ते बड़े बड़े मुहतसब आला इस सारे का ताल्लुक उगी नाल है। मैं कस कस ना कहना सुनो कुरान करीम का रस्मुल खत भी महफूज है। देखो कुरान शुरू होता है तो पहले सरे पढ़ दे बिस्मिल्लाहिर्रहमान बड़े दर्द है इसको छोड़ो माशाल्लाह कितने सोने जवान भी होए खूबसूरत भी होए फिर दाढ़ी भी होए जवानी भी होए तो कितना अच्छा लगता है। अल्लाह को तो जो बड़े दर्द जरा एक बड़े दर्द है फिर मैं मुकाना गलत मुकाना तो सब इंशाल्लाह छूट ही जाता है। अल्लाह रसूल खान की महफूज है कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह खुदाया मड़ी ये गल इन्होंने लोगों के मकसद में पाई जाता बड़ा बड़ा थोड़े को सवाल है मैं समझा कहना गल जरा पेचीदा जी है बिस्मिल्लाह असल में आसा बे इस्मिल्लाह असल में क्या आसा बे इस्मिल्लाह बे तुसी आसते होते हो ना और जी दसो तुसका इसम शरीफ के है पूछते होते हो ना इसम शरीफ अरबिया के मसमुस बता तेरा नाम क्या है बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम अर में के करना शुरू करना एक बिस्मिल्लाह एक अमजा लिखना बिच आंदे पर पढ़ना में नहीं आता तुसी आखो मौली साहब असं ते बिस्मिल्लाह में नहीं देखिया दुई कसा जाई पे दस एक रब बिस्मे रब्बे कल्लज़ी खलक उथे अफजा लिखे दे इथे अफजा नहीं लिखे दा आज कोई कातब उठ के जरा कुरान मजीद लिख सी एक बिस्मिल्लाह दा अफजा द
देखे नहीं आता और सुना रखता हम सकता के नहीं आता। रसूल खात भी जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने खान छोड़िया जिथे ने खान छोड़िया उसमें कोई तबादल तगायर है। अच्छा मैं और जरा सुनहरी करना गलत हूं, ये अगली मिसाल समझ आ सी। बिस्मिल्लाह रहमान वे अकीम है रहीम बिच भी क्या है, इना नीमा दे दरम्यान बिच सुराख है, नीमा बिच क्या है सुराख है, मोरी ये सुराख है। और देखो कदे ये सुराख भरे तो हुए इसमें स्याही भरी भी हुए फिर भी नीम है, स्याही न भरी भी हुए फिर भी नीम है, लेकिन कुरान पाक में रहमान और रहीम की नीम की आग खुली हुई है और वहां स्याही नहीं पड़ी हुई, लेकिन कयामत तक कोई कातिल आकर रहमान और रहीम की आग नीम की आग को फिर नहीं कर सकता क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा ने सुकून नहीं किया। अच्छा मैं और सुखदा करता हूं, हाँ मुझे याद आ गई और सीना दे कितने दांत होने बोलते ना माशाल्लाह माशाल्लाह दुनिया अल्लाह अंग्रेजिया सलामत रखे कितने दांत होने तेरे बाबा है जाकू कुआं में हाथ मार दे कुछ देना पूछता है कुछ दे पूछता है सीना दे कितने दांत है ना बोलो यार और सीन के तीन दांत होते हैं और कुरान मजीद पढ़े दे सीना ना सैयदुल सुफहा बिस्मिल्लाह कुरान मजीद पढ़े दे सैयद जी जिथे जुड़ के भी देखो और सीना दे त्रे दांतो से मरे सूरह अलक में चलो एकड़ा बिस्मे बिस्मे इथे सीना दे दो दांत त्रे नहीं नानी दे दांत ना से मैं तो आले मैं पीऊ दे दांत खड़ के लवाले मैं दादे दे दांत लोहाल क्या है और बड़ा अपना भी अपना सा निकल गया ये दांत भी मैं लवाले ले मैं कुरान मजीद में सूरह अलक की सीना दा भी लवांता और दस होए कदे सीना दा दांत लोहाल सी कला को हैदरी साहब आके उकी ने बाजार पे मात्सरे से चौकर पे जुलूस करके खा के सर ओए हरी साहब के हो गया तो समझो ओए फलाना उठिया और फलाना उठिया उस सीना का सूरह अलग थी सीना का दांत रोवाले ओए हरी साहब सीना दे में त्रई दांत हो गए कदे लोहा के दांत के हो गया आता ओए अपनी मां का लोहा पीर का लोहा दादे का लोहा लेकिन जरा दंड नबी अलैहिस्सलाम से कुरान मजीद में नहीं लाया उस दंड को कसर दे भी नहीं कहा। अल्लाह अकबर की रस्मुल खात भी बोलो है मुकाशन किसी तरह ना ही नहीं कहते शेडूल गड़बड़ अल्लाह आप कुर्सी पर बैठ के मिलते माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर रस्मुल खात भी महफूज एक गल हो रहा है साहब इजाजत है कर सुना डॉक्टर साहब एक गल हो देखो इब्राहिम कुरान मजीद भरे दे इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम मूसा अलैहि सलाम का नाम ईसा अलैहि सलाम का नाम इन नबिया के नाम है इब्राहिम भी कुरान मजीद वे कई जगह पे पता नहीं है कुछ समझ दे पड़ा कर माशाल्लाह इब्राहिम कुरान पाक में लिखा हुआ है
इब्राहिम, इब्राहिम के स्पेलिंग क्या है? जोड़ के हमजा बाज है, इब कारी है ना, हमजा बाज है, इब खड़ी है या खड़े असल के निकाह कर रहे हैं हमजा पास है खड़ी जबर क्या बना इब्राहिम तुसी असो अजीबा बुलाने के चढ़ गए कदे के कटाण कर सुनो ओए आ यासिर ही इब्राहिम नीम जबर मां इब्राहिम मां ए तुसो इब्राहिम ओ कदे ना नजर आसी इब्राहिम ने भी कदे ना होसी इब्राहिम जे हमेशा इब्राहिम मां ही होंगे ना ना अगे सुभान अल्लाह करियो अगे सुन सुन ते कदे वो जा भी ना याद ना रहा घर बड़ी पर जाइया गए जो के घर सुन अच्छा इब्राहिम ही होंगे असल बोल रूफे जा रहे ये मौलवी समझ लो लबा समझ से सत्रह मैं तो मुझ पहले पढ़े ऐसे पाओ ताओ काफो नामो वाओ मोजू मुझ हला रूपा खाशा बिना दा फिया नाला खत्ता ए ना ए चारा जिस इसम दे पीछे खड़ कर ठोको इस गुना वो अगले इसम तो तना कर छोड़ दे के कर जमदे तना जहर देंदे चारा के देंदे जहर देंदे बंदा हे बिंदा हे तंदा हे कंदा हे ए बंदा बिंदा तंदा कंदा जैसे समझे ए जारे जुम के रख दे उसको तले का छोड़ दे बड़े इब्राहिम से जितने बड़े जारे ना छोड़ो इतना नहीं होता पर के लिए होता ही होता है इब्राहिम मां तुसी आ होमोली साहब जुमला होता पुछो है बस है बस है पर इसका जवाब है माशाल्लाह डॉक्टर साहब अल्लाह अल्लाह तो सबको कायम रखे पर इंग्लिश वाले को जवाब नी और इसका जवाब है और इसका पहले दर्जे का तालिब इल्म उठ के जवाब दे सी वो आसियो गैर मुनसरिफ है इस पे दो सवाब पाए जुमले अलमियत भी है उजमा भी है ये दाग तले नहीं होता वो तंग अच्छा मैं तो सब बोले पूछता अच्छा इतने जारा तक ना करते आई आई के साथ से होती है बोलो यार मैं तो अखनूत दे ना पूछता तू सी गल पूछता आई के साथ से होती है के साथ से होती है जी आई आर एन गर के बोलो मैं अंग्रेजी आने तो नहीं पूछा मैं ये तो सिर्फ माँ गिर लगी नहीं कर और कुकड़ी दे वो इसको कहीं गिर पड़ो
उधर आते आई जहर दे दिए, इधर इधर है उसकी रानी। और दिल क्यों नहीं है, ये गर्ल क्यों है? और मैं अमरीकी ने डिक्शनरी जब देखिया उन आखे पास है और पास है और छोड़ो जी लटो जी आखो जी बस इसी तरह पिछले गोरे इसी तरह पढ़ते आए उन्होंने गोरियों को सुन के ये भी यही पढ़ते। अल्लाह अकबर। मैं बरतानिया आलिया को पूछा उन्हें जवाब ना देता, अमरीकी आलिया जवाब ना देता, ब्रिटिशर जवाब ना देता और पाकिस्तान दिया कालिया अंग्रेजा भी जवाब ना देता। पर अरबी का खास है खुदा की कसमे जहर आवे कानून मौजूद है, सबर आवे कानून मौजूद है, जख्म आवे कानून मौजूद है, सांस आवे कानून मौजूद है, वक्फ आवे कानून मौजूद है। इब्राहिम मौसम कई बैठे थे इसी तरह लिखते हो ना, बोलो इसी तरह लिखते हो ना, इब्राहिम। अच्छा जी कुरान मजीदा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिखे थे। और कुछ हैदरी साहब सुनो डॉक्टर साहब सुनो इन्होंने नाम दुनिया के कुछ सोनिया सूरत शक्ल बैठी दी उलमाए किराम बोलो उमर साहब बोलो अपने कारियां बोलो और तुस्ते जनक कारियां तुस्ते जनक आलम हैं उलमाए आउने को लो पूछो सूरह बकरा में आपकी कुरान मजीद खोल के देखो कार चल के ये दांत भी गड़े हो। मैं तो सबको कहा आपने ना सीना दे गड़े हो सूरह बकरा में वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है लेकिन उथे उथे हमजा बाज है इब रा खड़ी जबर रा हा खड़ी से हा खड़ी से ही हा याद है ही नहीं लिखा हुआ लेकिन आज कोई मुकातब या कयामत तक आने वाला कोई कातब कुरान लिखने वाला सूरह मेरे दोस्तों बकरा के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ खड़ी जेर को हटाकर या नहीं लगा सकता, दूसरी जगह से या को हटाकर खड़ी जेर और कुरान का रस्मुल खत भी एक पजड़ा है। अच्छा मैं गल मुकाना यार आपको मुबारक हो और तो सबको मुबारक हो और तक सच्चा ना होता गल की थी और तय सोचा रहे जी आप चप्पड़ मार के थे माशाल्लाह सारे चप्पड़ मार के तो ना मैं हो जाऊ पर तकरीब में हम 10 मिनट और कर सकते हो जो बड़ी जाओ। अच्छा देखिए आप इतने हाई खुश नसीब है कि आपके बच्चों ने अल्लाह का कुरान पढ़ा है यार क्यामत का दिन होगा देखो जिसने जंगल की कौन दस्तार बंदी हो सी इन्हें को इनाम देसो हार पासो इन दिशान लोगों को दसो और कुछ नसीबो खुश किस्मत हो कल क्या आने जाने खुदा तुम निशान मैदान इतने से राजा को दस गए तो फिर कुछ ना कुछ उसने जनता नाम खुदा जनता में बैठ गई खैर सुभान अल्लाह तो है ना तवज्जो बड़ी दर करे कल बड़ी सोनी अगर देखो मिश्कात शरीफ की हदीस लोग पसीने में सराबूर नफसा नफसी का आलम अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी अल्लाह फरमाएंगे या मा सरकुरना एवल हुफाम अल्लाह फरमाएंगे कारियो ए मौलवियो ए मुफ्तियो ए काजियो कारी हाफज मौलवी मुफ्ती अर्ज करेंगे लबाई 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 या रब्बना रबी अल्लाह के गले खुदाया सी हजरा अल्लाह सी और कुरान पढ़ दहा दे कुरान को अपने सीने में कह के मैदान में सिर में हरा ले कारियों मौलवियों हफ्सो कुतियो बड़ी गम सुनो अल्लाह आप क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं अल्लाह पाक फरमाएंगे दुनिया में तुम कुरान पढ़ा करते थे खान सुनते थे पढ़ा करते थे उगी के नवाब सुनते थे पढ़ा करते थे उलमा सुनते थे पढ़ा
लोग लमे लमे लफाफे देते होंगे से पंजा पंजा हजार के नोट पे देते से हस्ते गला पे हार पाते होंगे से असर को इनाम से मुबारकियां देने होंगे से जोड़े से परोटे देने होंगे से खुदाया अज मैदान पैसे अल्लाह असी कुरान पढ़ सा अल्लाह तू कसम को कह रहे सी उदासी और कुरान पढ़ता लिया देखता ना आज नवाजी चक्कर को तलाश करते आज हाजी चक्कर को ढूंढ दे आज मजाए चक्कर को ढूंढ दे ते जन्नत नगीरी तो को ढूंढती है अल्लाह किस तरह अल्लाह से सुनते सही ने आखना क्या मिश्कात शरीफ दिया दी से अल्लाह फरमाएंगे ये बराबर तक पढ़ता चला जा जन्नत के दर्जे चढ़ता चला जा इकरा कर दगे बरतर कबा कुंदा दरतर फिर दुनिया भाई ने मंजिला का आखिर आयत तक रहो हा अल्लाह अकबर कुरान का कारी कहेगा अल्लाह कुरान लोगों में मुख्तलिफ लहजों में पढ़ा हैदरी साहब का अपना लहज है डॉक्टर साहब का अपना लहज है मुफ्ती जैद अमजद का अपना लहज है आपके मुतबिक साहब उमर साहब का अपना लहज है और बुरा हजरात का अपना लहज है कोई पानीपति लहज में पढ़ता है कोई मिश्री लहज में पढ़ता है कोई मश्क में पढ़ता है कोई हदर में पढ़ता है अल्लाह अकबर शेखुल कुरान मौलाना गुलाम अल्लाह खान का अपना लहजा था अपना अंदाज था अल्लाह जदो कुरान पढ़ता सा मुशरिका तक पेशाब निकल के दिया से अल्लाह अल्लाह अकबर हर एक दा अपना अपना लहजा अल्लाह के लहजा तो कुछ चंगा लग दे अल्लाह मैं उस लहजे में पढ़ना की कोशिश करा वो लहजा अपनाना की कोशिश करा खुदा सी हो कारिया और मुफ्तिया और मौलविया वो हाफसा अज मैं तुड़े लहजे ना देखता अज मैं तुड़िया गिराता ना देखता अज मैं तुड़े कंकरे ना देखता अज मैं तुड़े फूले ना देखता अज मैं तुड़ा इजहार इंतकाम में गुलाब ना देखता अल्लाह फिर के देखते खुदा मैं सुनते सही में आखता क्या अल्लाह आप क्या इरशाद फरमा रहे हैं अल्लाह फरमाएंगे कमा कुंता तुरतिलु फिद दुनिया अल्लाह फरमाएंगे जिस तरह दुनिया में मस्जिद में कठाई कठाई के इस चीज ना ये ना है पांडे की मसीदी में खाल के ले जनाल पढ़ दौड़ा से कुछ आबादी नाल पढ़ दौड़ा से आज भी जरा पढ़ता मैं खुदा सुना अल्लाह अकबर एक कुरान पाक पढ़ना हला कुरान का कारी अल्लाह बड़ा जल्दी बाजो सी तावला तावला शुरू कर कर सी के अल्लाह अकबर ये कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين پرواز ملنا شروع ہو جائے گی اللہ پاک پرواز عطا کریں گے تلے بڑے قاری صاحب بیٹھے تھے اس وقت وہ آسان ہو چلے تعمل نہ کر اور پاکنا تعمل نہ کر استاد جی کہے گا لے کی ڈنگ دے ہو خدا آخر پڑھ دا جل تے چڑھتا پہ چڑھ دا جل تے میں اللہ دے آخر دے پڑھنا شروع کر کے دے استاد جی اللہ دا واسطہ ہے وہ کوئی اجازت دے ہو وہ کوئی چڑھتا پہ جل نہ دے ہو میں دے کچھ تک ہو گیا اللہ اکبر استاد کہیں گے بڑے قرآن کہیں گے بزرگ قاری کہیں گے دیکھ ہم نے اکیلے تو قرآن نہیں پڑھا ہمیں پڑھانے کے لیے مولانا عمر صاحب نے مدرسہ بنایا تھا ہمیں پڑھانے کے لیے لوگوں نے چندے دیے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے لوگوں نے مدرسے بنائے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے لوگوں نے جلسے کرائے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے والدین نے مشقتیں برداشت کی تھی اور دیکھ لوگوں سنا روایا سے لوگوں مبارکیاں دیتی سیا لوگ جلسے پہ آ کے بیٹھے سے لوگوں سنا اپنا ٹائم دیتا سا اچھا استاد جی پھر کہے گا نے ساری گلا میں سن کے دیا اور چلیا ذرا چھپ کر واپس دلی دیا جو ایک چھپ کر کے واپس آسی استاد جی کہے گا نے اچھا اسی سارے بیٹھ دیا بیٹھ کے جرگا بڑھ کے خدا کی بارگاہ میں جڑ کے اللہ کو آخ دیا خدا آیا جب تب ادھر دیو سب کو پھینک دے اپنے جب تب ادھر دیو سب کو پھینک دے پر جتنے تک اسی جڑے کے سفارشی بن کے آئے دیا اسا نال انہاں لوکاں کو چندر میں نہ پیسی اسی نہ جڑ دے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرشتے کھڑے ہوں گے فرشتے کھڑے ہوں گے وہ ان کے مشورے کو سن رہے ہوں گے آپس میں فرشتے باتیں کریں گے وہ کہیں گے دیکھو
लोगों पे क्या बनी हुई है, बड़े बड़े आजी ते नमाजी पर खुदा सुन लगे ने उनके रोना ते चीकां दी आवाज आनी है खुदा ने कहियां जवाब दे पढ़ते जलो ते लंघते जलो इन्हें चलिया दर देखो इन्हें सब मशवरा बिठा के दे और जुते की नी तावले तावले पता नहीं पाक में खुदा का मूड के जड़ो है। अल्लाह अकबर खुदा फरिश्तों की आवाज सुन लेगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे हदीस के अल्फाज है उसको तू या मलाइका ए मलाइका चुप हो जाओ मेरे कुरान पढ़ने वालों पर, मेरा दीन पढ़ने वालों पर, मेरे कारियों पर, मेरे हाफिजों पर, मेरे मौलवियों पर, मेरे मुफ्तियों पर बातें न करो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर फरिश्ते सेम से खड़े हो जाएंगे दरसा बरंदाज होंगे अल्लाह से चुप हो गया अस्ता ना चुप है अल्लाह से तमाशा देखते हैं अल्लाह तू के कर दे अल्लाह पाक फरमाएंगे आप में रिजवान है हाँ रिजवान हाजिर हो जा रिजवान आएगा अल्लाह फरमाएंगे जन्नत के टिकट लेके आ जा जन्नत के टिकट हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह फरिश्तों से कहेंगे अरे फरिश्ते गला ना करो बल्कि इन्हें मौलविया इन्हें कारिया इन्हें हफ्सा की खिदमत करो अल्लाह के करा खुदा सीचरा छड़ा हाफिज होवे तेरा हाफिज होवे उसको जनता दे दस टिकट दे छोड़ो जेड़ा दान मुफ्ती मौलवी कारी होवे उसको जनता दे चाली टिकट दे छोड़ो अल्लाह टिकट तकसीम हो गए टिकट तकसीम हो गए फरिश्ते फिर खाते दिन फिर खुद आ गए हाथ बंद के अर्ज कर दे अल्लाह अल्लाह के नास्ते ते है कि टिकट जो नास्ते पूछा सा अल्लाह कसर को दस दे छोड़े कसर को चाली दे छोड़े ये तो की कीता हो खुदाया अल्लाह से नहीं दी तो सबका कैसा चोट करो। एक फरिश्ते दस्ते पत्रे न समझे हाँ जब खुदा सब पैदा करता सा ना इन्नी जायनो इना क्या क्या सा अतजा रुफिया मयुस से दुफिया व यस के कुत्ते मा नहनो मुसबते हो बे हमले का तो मुकद्दर सुनता है खुदा सुना है सर इन्निया लबो माला पालो और जो मैं जानदा तुसी ना जानते खुदा अपने देखते ना उसे भी कहते सब आखिया सा आज फिर भी आता जो कुछ मैं जानता हम तुसी ना जानते अल्लाह फिर भी दस सुन अल्लाह फरमाएंगे और फरिश्तो गवाह बन जाओ जिस जिस को कलमा पढ़ने वाले को ये कुरान का हाफिज दीन का मौलवी टिकट देता चला जाए नमाजें कम हो परवाह न करना नेकियां कम हो परवाह न करना उसकी तिलावत कम हो परवाह न करना हज उमरे कम हो परवाह न करना अल्लाह के कर ले खुदा सी एक टिकट कह के कदे जनता दे बुए ते आ जावे ते मैं जनता तो आर्डर कर छोड़े मैं आ सुने के बुआ खुद वे ते इसको जनता में दाखिल अल्लाह अकबर टिकट तकसीम हो गए टिकट तकसीम हो गए आप दे कुरान का दिल तड़कता है अल्लाह टिकट दे में दोगा दे बढ़ छोड़े कसम बार किया ने को दे छोड़िया कसम हरा ने को दे छोड़िया कसम मिठाई वाले को दे छोड़िया कसम सुन लो को 10 दे 5 रुपए पढ़ाई दे दो हम दे दिया से अल्लाह में हुदा को दे छोड़े अल्लाह आज ना बड़ी बाहू का पता है ना पीर का पता है पता नहीं कुछ कोई कुमे दे हो सन अल्लाह आज बड़े नाल होते ते मैं अपना तुम्हें कह के जनता में जुटा रहे वैया अल्लाह बड़े पीर की ताकत नहीं मैं किया ढोसा अल्लाह फरमाएंगे और कुरान याद करने वाले तेरे लिए तलाश करना मुश्किल है मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं अल्लाह फिर भी खुदा से उत्तर इरन कभी और सजे पास ही तेरे अय्या मुड़ के देख सी पे खत्ते दो सी फिर अल्लाह फरमाएंगे उत्तर इरन के साथ खबे पास ही तेरे किधर मुड़ के देख सी पाक खत्ती दी होगी अल्लाह हजारों साल लाखों साल गुजर जाने के बाद माँ बेटा बेटी बाप और बेटा आपस में मिलेंगे हाय अल्लाह रोना शुरू हो जाएंगे हाय बच्चा हाय अब्बा तू कुथिया से तुसी कुथिया से हो हजारों साल गुजर गए
आ गया, दादा तू भी आ गए, अबा तू भी आ गए, नाना तू भी आ गए, नानी तू भी आ गए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और एक कोट के पकड़ के सी अपनी माँ को ते पीर को भी ते फिर कुरान पढ़ना शुरू कर के सी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब अल्लाह अकबर। आयत पढ़ सी और वो शुरू हो गई सी, खुदा इसको बुलंदी देना शुरू कर गई सी, इतने में वो तो खुदा की तरफ आवाज आ सी और कुरान दे कारिया जरा चुप हो जो अल्लाह के गल है। पहले पढ़ना शुरू किया उस नाना डक छुड़िया और पढ़ना शुरू किया अल्लाह तो डक छुड़िया खुदा सी नहना मेरे सस्ते डके तो वो जरा ठहर दे कल के अमदी को जदू तो दुनिया में जब तू कुरान याद किया था जब तूने कुरान याद किया था देख वरना ने जलसा कराया चंदे किए लोगों को बुलाया बोला वहां बुलाए अतिया बुलाए असिया बुलाए सुलाखा बुलाए नाथान बुलाए मानसरे बड़े जहां गरीब जहां मिस्कीन जहां आदत जहां अनपढ़ जहां शकीब भी आया उस भी तकरीर की थी ते तुरे सिर ते पगड़ी बन गए तुम्हें शान लोगों को दस लिया सी तो तेरे मां बाप की शान दिखाना बाकी है। अल्लाह क्या करेगा अल्लाह अल्लाह आपस में कुरान पूछेगा रब्बा वहां दो लोग आए थे सुराखा आए थे खुतबा आए थे शुआर आए थे नौजब आए थे खुदाबा आए थे अल्लाह आज बड़े पाव पी उदय जलसा मैदान पेशन में तू कराएगा अल्लाह तू किसको बुलाएगा अल्लाह फरमाएंगे अल्लाह फरमाएंगे देवल बहा को नहीं बुलाता अल्लाह फिर सहाबा को बुलाएगा सिद्दीक अकबर आएंगे फारूक आजम आएंगे उस्मान जरूर रहन आएंगे अली और मुर्तजा आएंगे हुसैन करीम रहन आएंगे अल्लाह फरमाते नहीं 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 मैं इनको भी नहीं बुलाता अल्लाह फिर किसको बुलाएगा अल्लाह फरमाएंगे आदम से लेकर नूह तक नूह से लेकर इब्राहिम तक इब्राहिम से लेकर मूसा तक मूसा से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर मोहम्मद मुस्तफा तक 1,24,000 अंबिया को बुलाकर स्टेज लगाकर कुर्सियों पे उठाकर जन्नत से ताज मंगवा के तेरे वालिदैन को हौज़े कौसर से गुज़र करा के जन्नत का जोड़ा पहना के ताज में अपने हाथों से उनके सर पे रखकर